वो बहुत दिन से कह रहे थे कि केंद्र बिहार की उपेक्षा करता है। आज जब हम सारे बिहारी मंत्री बिहार में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री बिहार के विकास की चिंता करते हैं, तो कभी वो पैकेज पर अपनी आपत्ति प्रकट करते हैं। लेकिन हमें एक बात की पीड़ा जरूर हुई है, एक बिहारी के नाते नीतीश कुमार जी ने अपनी तुलना कल चंद्रगुप्त मौर्य अशोका से कर दी। क्षमा करें, नीतीश कुमार जी से बिहार बहुत बड़ा है, बिहार की परंपरा, बिहार की विरासत। कल की रैली हारे हुए लोगों की रैली थी, जो स्वाभिमान नहीं अपमान की रैली थी, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार के विकास के लिए खुलेआम सहयोग कर रही है। और मुझे नीतीश कुमार जी से एक साफ सवाल पूछना है, अगर उनके पास 2,70,000 करोड़ रुपए की बात वो करते हैं तो पैकेज क्यों चाहिए और 1,25,000 करोड़ का विरोध कर रहे हैं? कल की जो पूरी रैली थी, उस रैली के नायक थे लालू प्रसाद, मुखौटा थे नीतीश कुमार, और उसमें साइड रोल कर रही थी सोनिया गांधी। यही कल की रैली का पूरा शो है। स्वाभिमान रैली का मतलब ही है कि लोगों के स्वाभिमान पर, मान प्रतिष्ठा पर किसी ने ठेस पहुंचाई है। तो किसने ठेस पहुंचाई है? और किसी ने नहीं, सबसे बढ़कर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठेस पहुंचाई है। इतने ओहदे, वो बड़े ओहदे पर रहते हुए इस तरह की ओछी बात उन्होंने की है कि सब लोगों को बुरा लगा है, पूरे देश में लगा है, बिहार क्या। तो देखिए, ये कुदरत को भी ये पसंद नहीं है अहंकार। मोदी जी के रोम रोम से अहंकार टपकता है, उनकी एक एक शब्द से अहंकार ठमकता है। तो हमने तो कहा कल रैली में कि कुदरत को पसंद नहीं है सख्ती जबान में, कुदरत को पसंद नहीं है सख्ती जबान में, पैदा नहीं की इसीलिए हड्डी जबान में। सही मानों में स्वाभिमान रैली तो वो थी नहीं, वो तो एक जाति विशेष की रैली थी, और खुद लालू यादव जी ने उसको एक्सपोज भी कर दिया अपने भाषण से कि ये एक जाति विशेष की रैली है। और जो कुछ वहाँ कहा गया कोई नई बात नहीं कही गई, लेकिन अब बिहार के लोगों को फैसला करना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह प्रकार की भाषा या जिस प्रकार के आर्गूमेंट्स वहाँ दिए गए उस पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि पिछले 25 साल से 15 साल लालू और राबड़ी देवी का शासन रहा, और अब 10 साल से नीतीश जी का। अब कितना और समय इनको चाहिए बिहार को सुधारने के लिए, लोग ये सवाल जरूर करेंगे।